हाँ लफजाहिद का ही है, लफजाहिद का ही मामला है ये। क्या हुआ आपकी बेटी को, क्या बहला फुसला क्या? हाँ बहला फुसला के ले गया है ये होटल से। जब इन्होंने देखा कि ये लोग आ गए हैं तो वहीं से इनने पीछे के रास्ते से इन सब ने मिल के उस लड़की को अगवा करा दिया, अपहरण करा दिया उसका। धर्म परिवर्तन करवा सकता है? हाँ धर्म परिवर्तन भी करा सकता है और मार भी सकता है, हत्या भी कर सकता है। आज 11वां दिन है सर, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है, सब लीपा पोती चल रही है। अभी SSP साहब के पास गए तो उन्होंने भी हड़का दिया कि सही जाइए, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हमें अपनी लड़की की उम्र है 18 साल, 11वें में। तो क्या कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है? कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। उसके लिए अनेजा के लिए पकड़ा भी गया, जितेंद्र अनेजा को पकड़ा भी गया तो उसके लिए जो छोड़ दिया गया, 5:15 बजे पकड़ा गया और 8:30 बजे उसे छोड़ दिया गया। हमने करा कोतवाल साहब को फ़ोन, हमने साहब ये क्या हो रहा है? क्या नाम है? बात थोड़ी सी। मेरा नाम अर्जुन गुप्ता है, परशुराम सेना से प्रदेश प्रभारी। बताइए क्या मामला है? ये मामला लव जिहाद का है और वो लड़का इन्हें सीताकरण होटल से पहला बुला के इनकी लड़की को ले गया। वो लोग स्कूल से घर से ये कह के निकले थे कि हम बैंक जा रहे हैं, बैंक से ही रस्ते से उन्हें गायब कर दिया गया, उन्हें सीताकरण लाया गया। वहाँ इनके जो होटल मालिक हैं जितेंद्र अनेजा जी, उन्होंने उनके सपुत्री और असद खां और संजय सक्सेना इन लोगों के सहयोग से इन लोग अपहरण करा दिया। और आज 11 दिन हो गए हैं, ना ही इनकी कोई सुनवाई हो रही है ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। हम कोतवाल साहब को फ़ोन करते हैं, कोतवाल साहब भी हमें गुमराह करते हैं कि कहते हैं अभी 10 मिनट में मिलने हैं, 15 मिनट मिलने हैं, मैं कप्तान साहब की कोठी पे हूँ कि मैं हुआ हूँ, ये उन्होंने मुझसे स्वयं कहा है। अब हम तो इनकी मदद करना चाहते हैं लेकिन प्रशासन इन्हें मदद बिल्कुल नहीं दे रहा है। क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा उसके साथ? उस लड़की का हमें तो संज्ञान में जो आया था कि उसका धर्म परिवर्तन कराया जाएगा और अगर वो नहीं मानी तो इन पे भी हमला हो सकता है, उसकी तो जान खतरे में ही है। लड़का मुंडन है, लड़की हिंदू है, मौर्य समाज से है। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं और अभी तक क्या कार्रवाई की गई आपकी तरफ से? ये कोई धर्म परिवर्तन या लव जिहाद का मामला नहीं है। इसमें तथाकथित एक लड़की जो है एक दूसरे समुदाय के लड़के के साथ वो चली गई, तो इसकी सूचना मिलते ही हम लोगों ने संबंध में FIR दर्ज कर ली है और लड़की और लड़के दोनों की तलाश जारी है। जल्दी ही हम उनको वो हमें मिल जाएंगे, उसके बाद की आवश्यक कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। क्या पूरा मामला क्या था सर, कहाँ से किस होटल से गायब हुई? हाँ इसमें एक होटल का भी नाम आया था जिसमें कि वहाँ वो लोग को कुछ देर तक ठहरे थे लोग, इस वजह से ही उनको भी अभियुक्त बनाया गया था इस मुकदमे में। तो उन सभी पहलुओं पर जाँच चल रही है और जैसे ही सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिल जाएगी हम पूरी कार्रवाई करेंगे। इसमें परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही, आज 11 दिन हो गए हैं, तमाम हिंदू संगठन भी अब इसमें शामिल हो गए, उनका कहना है वो धरना प्रदर्शन करेंगे, तो मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए इसमें हम लगातार लगे हुए हैं, हमारी सर्विलेंस टीम भी लगी हुई है, लोकल टीम्स भी लगी हुई हैं, हम हर पहलुओं को इसमें तलाश कर रहे हैं और जल्दी ही दोनों को हम लोग जो हमें मिल जाएंगे दोनों लोग। सर परिजन में उनका कहना है कि लड़की के साथ अनहोनी की भी आशंका है उन्हें, पर पुलिस मदद नहीं कर रही? नहीं, मदद हम उनकी पूरी कर रहे हैं, पूरी तरह से पुलिस की टीम्स लगाई गई हैं अलग अलग जगहों पर, जहां भी संभावित हमें कोई भी संभावना मिलती है वहां पर हमारी टीम भेजी जाती है, सर्विलेंस के माध्यम से भी हम लगातार लगे हुए हैं और जल्दी ही हमें सफलता मिलेगी। थैंक यू सर।